अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो की टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनकी डेफिनेशंस कर रहे हैं सबसे पहले हमने सोशल को डिफ़ाइन किया फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफ़ाइन किया फिर हमने सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की और अब हम इन सब को इकट्ठा करके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनली उसकी डेफिनेशन का जो प्रोसेस है उस पर आ गए हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे पॉपुलर है उससे लगता है कि इट वुड बी वेरी प्रिसाइज डिफाइंड थिंग ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी टर्म है जो कि डेफिनेशन की तलाश में है आ, कुछ ऑथर्स ने 2008 में तेरह डेफिनेशंस जो हैं इकट्ठी की और उनका एनालिसिस किया और वह सारी एक दूसरे से मुख्तलफ थी ऑफकोर्स उनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन थे लेकिन इतनी मुख्तफ डेफिनेशनस के साथ ख़ास तौर पर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आ, मुश्किल हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को समझना और कैरी करना सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर डेफिनेशन अब तक है सोशल एंटरप्रन्योरशिप की वो डीज डी डबल -E ई -E एस डीज नामी एक स्कॉलर ने दी है डीज की डेफिनेशन के मुताबिक सोशल एंटरप्रन्यरशिप के पाँच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक सोशल एंटरप्रेन्योर का एक मिशन होता है जैसा कि हम वाकिफ हैं मिशन है सोशल प्रॉब्लम को हल करना सोशल वैल्यू क्रिएट करना नंबर टू सोशल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ या मौके की तलाश में होते हैं कि उसके कोई मौका उनको मिले और उसके ज़रिए से वो अपने मिशन को अचीव कर सकें नंबर थ्री सोशल एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव होते हैं नई चीज़ों को टेस्ट करते हुए नहीं घबराते पुरानी चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं नंबर फोर सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोल्डली एक्ट करते हैं याद है हमने कहा था दे आर रिस्क टेकर्स एंड रिस्क मैनेजर्स जाहिर है नया काम करने में रिस्क होता है देखे भाले रास्ते पे चलना आसान होता है नए काम में पता नहीं होता फ़ायदा होगा नुकसान होगा और यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं जो नुकसान हो सकता है तो सोशल एंटरप्रेन्योर उस सारे रिस्क को जानते हुए उसको मैनेज करते हुए बोल्डली एक्ट करता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है जाहिर है वो रिस्क ले रहा है वो लोगों के लिए उनके मसाइल को हल करने के लिए रिस्क ले रहा है लेकिन जिम्मेदारी उसकी है क्योंकि उसने इनिशिएट किया है उसका मिशन है तो डीस की डेफिनेशन के ये पाँच की पॉइंट से इट सीम्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन जाहिर है जैसे जैसे कोई डिसिप्लिन या कोई सब्जेक्ट तरक्की करता है उसमें और लोग नई सोच के साथ शामिल होते हैं तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने डीज की नफरेशन पर तनकीद की किसी ने कहा इसमें सस्टेनेबलिटी का एलिमेंट नहीं है कि अगर कोई सोशल एंटरप्रेन्योर एक दफ़ा अपना मिशन अचीव कर ले तो वो सस्टेनेबल भी होगा यानी हमेशा के लिए होगा कायम रहेगा वही प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा तो डीज की डेफिनेशन ये चीज़ हमें नहीं बताती किसी और स्कॉलर ने उस पर तनकीद की और कहा कि सोशल एंटरप्रन जो हैं वो प्रॉफिट भी बनाते हैं तो ये फार प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डेफिनेशन में ये चीज़ भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार प्रॉफिट है या नॉट फार प्रॉफिट है किसी तीसरे स्कॉलर ने उस पर तनकीद की और कहा कि चूंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज होती हैं वो फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं नॉट फार प्रॉफिट भी हो सकती हैं दोनों का मिक्स भी हो सकती हैं तो एक हाइब्रिड मोड जो है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए डेफिनेशन के अंदर कि ये हाइब्रिड भी हो सकती है एंड दिस इज गोइंग ऑन ये एक ऑन गोइंग डिबेट है जो सोशल एंट्रप्रियोरशिप की डेफिनेशन के ऊपर जारी है जैसे जैसे चीजें डिवेलप होती हैं तरक्की करती हैं उसमें नयापन शामिल होता है आपने कभी कोई कटा हुआ दरख्त देखा है उसका तना अगर आप उसके तने को देखें तो उसमें दायरे बने होते हैं वो दायरे उस दरख्त की उम्र को ज़ाहिर करते हैं कि ये कितना पुराना है बिल्कुल इसी तरह डेफिनेशंस की तादाद बताती है कि अब तक इस फील्ड में कितना काम हो चुका है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डेवलपिंग उसके दरख्त के तने में और दायरे शामिल हो रहे हैं थैंक यू